गाइस इट्स अबाउट 11:10:30 AM और यहाँ हम बहावलपुर से आए थे नीलम वैली, और नीलम वैली से अब हमारा सीन्स कुछ इस तरह के बने कि आगे हम जा रहे हैं बबून, एक जगह है यहाँ पे, और बबून में होपफुली आज जो है 3-3.5 घंटे की जो है वो जीप की जो है वहाँ पे जर्नी है, और होपफुली वहाँ पे पहुँच के बताया ये जा रहा है कि पूरी जो नीलम वैली है उसकी जो सबसे अच्छी जगह है वो बबून ही है। और सीन इस तरह के यहाँ से अब जा रहे हैं नीचे, अपर नीलम में है इस टाइम, अपर नीलम से हमने जाना है नीचे, और वहाँ पे जाके कहीं पे नाश्ता करना है, पहले पेट पूजा होगा फिर काम दूजा होगा, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ से जाके फिर वहाँ से जीप करते हैं, कोई जीप से फिर एक 3 घंटे का ट्रैक है जैसे मैंने आपको बताया। सो जी सफ़र हो गया हमारा स्टार्ट, और अब हम जा रहे हैं बबून वैली। इस टाइम हैं जी हम नीलम पे, और अपर नीलम वैली कहा जाता है इसे। और जी अभी भी सामने जो आपको ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये इंडियन कश्मीर की ही हैं जी। इस तरह के मेस्मराइजिंग वाटरफॉल्स बड़े ही कॉमन हैं कश्मीर में, और जगह जगह पे आपको इस तरह की सीनरीज देखने को भी मिलती हैं। हमें जी भूख बहुत लगी हुई है इसलिए पहले करते हैं नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद यहाँ से मिलेगी हमें जी नाश्ता। आ गया जी, पराठे हैं, अंडा है, चने हैं, ये जी यहाँ के बड़े ही पहाड़ी इलाकों के बड़े स्पेशल किस्म के अंडे और चने होते हैं, तो ये भी खाते हैं, और फिर मिलते हैं जी आपसे ऊपर जाके बबून वैली में। सो गाइस इफ़ यू वांट टू गो टू बबून वैली तो आपको यहाँ पे एक जीप लेनी पड़ेगी, और जीप के लिए आप ये चेक कर लीजिएगा कि आया उसका जो एक लाइसेंस है जो यहाँ पे बड़ा ज़रूरी होता है ड्राइविंग के लिए वो है, और अगर है तो वो एक्सपायर्ड है कि नहीं। बबून के रास्ते में, बबून के रास्ते में, और वैसे तो ऊपर बहुत अच्छे नज़ारे हमने तस्वीरों में देखे हैं, भाई भी हमारे साथ हैं लोकल हैं यहाँ के, वो बता रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी जगह आती है कि मुझे बबून से ज़्यादा घर का सुकून अच्छा लगता है, तो लेकिन ये ना बड़ा एडवेंचर वाला सफ़र है, बड़ा इंजॉय करते जा रहे हैं, और अभी हमारा सफ़र तकरीबन स्टार्ट हुआ है, अभी हम पक्की रोड पे हैं इसलिए ब्लॉगिंग भी हो रही है। बबून भी, अच्छा वो है बबून, वो सामने बबून है सामने ऊपर, और अभी हो जाएगा कच्चा स्टार्ट और ब्लॉगिंग हो गया कच्चा थोड़ा सा इजाजत जी। इन्होंने हमें सजी दिखा के खबी मारी है, और ये जो सफ़र है यहाँ पे इंसान के गुनाह भी बहुत झड़ते हैं, क्योंकि इंसान अल्लाह को बड़ा याद करता है सफ़र में। बबून के रास्ते में बाजार आया ही है, और यहाँ पे हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली हैं, और अभी हमें पता लगा कि ऊपर जाके ना जस्ट आप नज़ारे इंजॉय कर सकते हैं, पानी तक अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, और नौमी भाई साथ हैं, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड नौमी भाई थे। तो नौमी भाई आप कल तक बड़े डिसहार्ट थे कि मुझे कोई आपने मज़ेदार जगह नहीं दिखाई। यार बंदा फैमिली के साथ आए ना, तो हम क्या फैमिली नहीं है? अच्छा वो कह रहे हैं तुम तो छड़े हो, तुम छड़े, अच्छा छड़े चलो कोई छड़ा है, तो अभी आगे जा रहे हैं, नहीं होपफुली आगे बड़े प्यारे नज़ारे भी हैं वो आपको दिखाते हैं, और मिलते हैं जी आप जी। बबून की तकरीबन 3-3.5 घंटे की ड्राइव है, और 12 किलोमीटर मतलब आधा एक घंटा हमने बड़ी ज़बरदस्त रोड पे गुजारा है, उसके बाद ये मैंने इतने ज़ोर से इसको पकड़ा हुआ मैंने कि मेरे हाथ जो हैं आपके सामने ये देखें ऐसे हो गया, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़ता है, और जो ना हो वो होना भी पड़ता है जी। बबून के रास्ते में कुछ बच्चों को हमने लिफ्ट दिया जिनके घर थे ऊपर, तो ज़रा चलते हैं और इनसे ज़रा हेलो हाय भी करते हैं। तुम पहली में हो, वो कायदे में है, तुम भी कायदे में हो, वो तीसरी में है, सबसे बड़ा कौन है अभी तुम्हारे? कायदे वाला बच्चा, पहले कायदे वाला बच्चा, कायदे वाला बच्चा, कायदे वाले बच्चे इधर मुकरे, क्या नाम है बे कायदगी, इधर देखो ये मोहसिन, मोहसिन कायदे में है, तुम अमार, तुम किस में हो, ये भी कायदे में हो या किताब में हो जी। रास्ते में हमें एक हैंगिंग ब्रिज मिली है जिससे हमें उतरना पड़ेगा ताकि गाड़ी गुजर सके। Thank you.
जी ड्यूरिंग जर्नी आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं कि फीलिंग आती है कि जी पैसे पूरे हो गए हैं। पूरी एक वाटरफॉल में से होती हुई, इतना वजन था कि उन्होंने कहा पहले आप उतरे और अब ऊपर जा रहे हैं। अभी भी बबून जो है वो टॉप पे है, वो बादलों वाली साइड पे। जी इस टाइम गाड़ी में बैठ के मुझे वही फीलिंग्स आ रही थी जो डिस्कवरी वाला झूला लेते हुए आती हैं। जी बबून का सफ़र जो है ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी होती है, वो इस वजह से कि कभी कभी आपको ऐसी रूट्स देखने को मिलती हैं और कभी ऐसी। अबे काय का व्यू बे। और सबसे ज़रूरी बात कि आपको इस सफ़र में आने से पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि जितनी भी छोटी रोड आ गई, आगे से अगर जीप आई तो आपको उसको रास्ता देना पड़ेगा। पहले हम भी वो जो पैराग्लाइडिंग वाला भाई था ना, उसकी तरह बड़े एक्साइटेड थे। शहबाज कह रहा था जैसे ही बैठा और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, कोरा ही कोरा। और अब हम कह रहे हैं कि भाई मैं डैश हूँ जिसमें आया हूँ। ग्लेशियर, ये देखें जी, ये ग्लेशियर है। ग्लेशियर्स में से होके जा रहे हैं हम। कमाल का जी, अभी तक हमारा एक सफर गुजर जा रहा है और सबसे एक्साइटेड नौमी भाई हैं, मैं उसके बाद कामी भाई हैं, मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ। लेकिन ये पैराग्लाइडर याद कर रहे हैं, ये वही है भाई, ये वही वाले दो तीन सौ ले लेंगे। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बस मैं ना बनाया आप क्लाइमैक्स। बहुत क्लाइमैक्स हो गया, इतना क्लाइमैक्स मैंने जिंदगी में नहीं किया। गाइज रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस और एक हैक्टिक सफ़र हो जाता है, 3-1 घंटे की ड्राइव है, लेकिन जैसे ही आप बबून वैली पे पहुंचते हैं और जो आपको सीनरीज देखने को मिलती हैं तो सारी थकावट जो है वो आपकी उतर जाती है। बबून मीडोज, सकून मीडोज, सकून इधर, सकून की मीडोज हो गई है और इधर बबून मीडोज हो गया, मजा आ गया। और 3 घंटे का ऑलमोस्ट सफर है, 3 घंटे के सफर में इंजॉयमेंट तो की है, लेकिन थोड़ा सा हम थक इस वजह से गए क्योंकि जो हमारी जीप थी उसमें हाँ उसमें सीट्स नहीं थी बैठने की, ठीक है, और हम खड़े होके आए हैं तो नज़ारे तो बड़े इंजॉय किए हैं। सो गाइस दिस इज़ बबून वैली, और वैसे तो बड़े कमाल के लैंडस्केप्स हैं, लेकिन यहाँ पे देखे ना हर जगह के सारे पॉजिटिव्स नहीं होते। थोड़ा सा ड्रॉबैक ये कि अगर यहाँ पे बारिश आ जाती है, जो कि आ रही है और ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे तक बारिश का चांसेस है यहाँ पे, अगर बारिश आ गई तो आपको जो है वो इन कैंप्स में रात गुजारनी पड़ेगी। पीछे जो कैंप्स नज़र आ रहे हैं आपको, वहाँ पर आपको रात गुजारनी पड़ेगी और जो भी हालात होंगे वो आपको फेस भी करने पड़ेंगे। एडवेंचर तो है, जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं वो हैं,
लेकिन यह है कि थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो सकता है अगर बारिश हो जाए तो गाड़ी भी जो है वो स्किड करती है, स्लिप होती है, यही भी बता रहे थे कि जितनी भी अच्छी जीप हो वो थोड़ा सा ना वो स्लिप करती है वापसी पे, काफ़ी इशू हो जाता है और आपको यहाँ पे ना काइंड ऑफ स्टक हो जाते हैं आप बबून में, लेकिन डिस्पाइट सेइंग दैट ख़त्म हो जाती है यहाँ पे ब्यूटी। और जो कहते हैं कि जी कश्मीर इज़ हेवन ऑन अर्थ, वो मुझे लगता था कि जस्ट जस्ट जैसे एक होता है ना बस कहते तो होंगे, लेकिन वाकई हेवन ऑन अर्थ। और ये पीस आउट।